नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय एक प्रॉब्लम का विषय जो बना हुआ है वो है ऑटो सेक्टर। हालांकि कल महुरा ट्रेडिंग वाले दिन ऑटो सेक्टर मार्केट को लीड कर रहा था। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये हर महीने डेटा पेश करते हैं दोस्तों कि उनकी कितनी गाड़ियों की बिक्री हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी प्रीवियस मंथ का डेटा भेजते हैं ये एक तारीख को ही हर महीने की। एक, दो, तीन, इन तीन दिन अलग अलग कंपनियां डेटा पेश करती चली जाती हैं। तो आज है आपका 2 नवंबर, 1 नवंबर यानी कल मॉर्निंग से ही डेटा आना शुरू हो गए थे और उस पर रिएक्शन भी आप सभी ने शाम को जब महुरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो देखा। इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह कि पूरे ऑटो क्षेत्र में जो डिमांड की कमी दिख रही थी, जिसकी वजह से सेल्स हर बार कम आ रही थी, नंबर्स भी खराब आए ऑटो कंपनीज के, चाहे आप मारुति देखो चाहे आप बजाज ऑटो देखो, उसके बाद कल ऐसा दिखा कि अक्टूबर में सेल्स बढ़कर आई है, जिसमें पूरा बाजार अब एक ही चीज मान चुका है कि डिमांड आउटलुक वीक है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में डेटा पॉजिटिव आता है तो मार्केट खुश होगा। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ एक एक करके कंपनियों के बारे में बताता हूँ, डेटा बताता हूँ, ऑटो सेल्स नंबर का आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि कल हमने इस तरीके कोई वीडियो बनाई नहीं थी लेकिन अब हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, जो कल शाम 7:50 यानी बाजार बंद होने के बाद नंबर पेश करता हुआ दिखाया, तो इसका रिएक्शन मंडे आएगा। नंबर स्ट्रांग आया है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। और जो स्लो डाउन की बात कर रहे हैं ना, कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा भाई साहब, ये चलेंगे गिरावट समझ के, बेचना मत, अपॉर्चुनिटी समझो। अब देखो 574,930 यूनिट्स के सामने 6 लाख, मैंने 500 बोला आई थिंक, है ना, 5 लाख, थोड़ा राउंड फिगर कर दूं क्या, 5,75,000 यूनिट लास्ट ईयर अक्टूबर में बेची थी, इस बार 6,79,091 यूनिट्स बेची है। ठीक है, 80,000 करना इसको ठीक नहीं है, तो 6,79,089,80 यूनिट्स इस समय बेचते हुए देखे हैं आपने हीरो मोटोकॉर्प को, और अनुमान था 6,40,000 का। तो बहुत बड़ा आंकड़ा आया, बहुत दमदार आंकड़ा आया हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, मैं ये कहूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कंपनियों के बारे में बात करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी सेल्स ओवर 50,000 यूनिट्स, रजिस्टर्ड 41,605 यूनिट्स इन अक्टूबर, तो इनका भी 50,000 यूनिट से ज्यादा का आंकड़ा आता हुआ दिखाया, तो इनका भी डेटा बहुत अच्छा आया। एमएनएम ट्रैक्टर की बात करें अगर, तो अक्टूबर टोटल सेल्स जो है 49,336 यूनिट्स की हुई के सामने 64,326 यूनिट हुए, तो ये आपके लिए रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 5 बजे एमएनएम ने नंबर पेश कर दिया था। आप कह सकते हो 49,500 के सामने 64,300 ट्रैक्टर बेचे हैं, अनुमान था 49,200 का, घटकर आने का था और उसके सामने इतना बड़ा जंप। आगे वीएसटी ट्रिलर्स 290 ट्रैक्टर के सामने 680 ट्रैक्टर बेचे हैं इन्होंने। अगर पावर ट्रिलर्स की बात करें तो 1220 के सामने 1783, बहुत ही दमदार नंबर आ रहा है यार, मतलब कहां से आ रही है, इतना दमदार एक्शन हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ऑटो नंबर इतने दमदार है कि स्टॉक ये भागने चाहिए। टाटा मोटर्स 434,714 यूनिट के सामने 490,000 ऑलमोस्ट इन्होंने यूनिट बेच दी है, अनुमान 492,000 का था, तो ये थोड़ा सा अभी भी वीक है, एस्टिमेट ही इतना ज्यादा लगा के बैठा है ना टाटा मोटर्स से मार्केट, इसलिए। अदरवाइज इसका भी देखो ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत दमदार ग्रोथ है, लेकिन एस्टिमेट उससे भी ज्यादा लगा दिया मार्केट ने। रिएक्शन इस पे सबका हो चुका है वैसे तो, कल 5 बजे तक नंबर ऑलमोस्ट आ गए थे सबके। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 13,205 यूनिट्स के सामने 18,110 यूनिट्स बेची गई हैं। एसएमएल इसुजू 873 यूनिट्स के सामने 801 यूनिट, तो इसका घट गया आंकड़ा, ये खराब लग रहा है। एस्कॉर्ट्स को नहीं, मैं बता चुका हूँ। अतुल ऑटो 3060 यूनिट्स के सामने 3818 यूनिट्स बेची गई हैं, तो ये भी ठीक दिख रहा है। ह्यूंडई मोटर्स, जी हाँ, नईली लिस्टिंग कंपनी दोस्तों, 68,700 यूनिट्स के सामने 70,078 यूनिट्स बेची हैं, बढ़िया लग रही हैं, और अनुमान 68,080 यूनिट्स का था तो एस्टिमेट को बीट करा है ह्यूंडई मोटर्स ने, बढ़िया नंबर आता हुआ दिख रहा है। आयशर मोटर्स 7,486 यूनिट से 7,112 यूनिट्स बेच पाए हैं, ये अनुमान 7,320 का था तो खराब आंकड़ा आइशर से। अगर मोटरसाइकिल की बात, वो सीवी था यानी कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक, आइशर के जो ट्रक हैं,
अभी मोटरसाइकिल की बात करें, अगर 110,574 यूनिट बेची है, अनुमान 114,000 का था, तो ये भी खराब हो गया। M&M की टोटल अक्टूबर सेल्स देखें अगर 80,700 से 96,648 यूनिट्स का हो गया है, जिसमें अनुमान 84,600 का था, बहुत तंगड़े आंकड़े से बीट करा है। TVS मोटर 82,682 यूनिट्स बेची हैं, अनुमान 73,000 का था, तो बहुत ही शानदार। मारुति ने 206,434 यूनिट बेची हैं, अनुमान 193,000 का था, तो बहुत ही दमदार आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों आपके लिए डिटेल्स थी इन कंपनीज की तरफ से, और भी बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।